जय जिनेन्द्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है, मैं एकता सिंगला। आइए एक नज़र डालते हैं आज के धार्मिक एवं सामाजिक समाचारों पर। लुधियाना के पखोवाल रोड स्थित ओरा जिम के नवनीत सिंह, जसवीर सिंह सेखो व मोनू सब्रवाल की अध्यक्षता में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें पार्षद एवं मंत्री भारत भूषण आशु की पत्नी ममता आशु विशेष तौर पर शामिल हुई। इस मौके पर सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर कमरुल हसन ने अपनी टीम के साथ आए हुए लोगों को टीका लगाया। कोविड 19 के नियमों का पालन करते हुए 45 वर्ष से अधिक के 100 महिलाओं एवं पुरुषों को टीका लगाया गया। मैं नवनीत सिंह, डायरेक्टर ओरा जिम। अज ओरा जिम दे विच फ्री वैक्सीन कैंप लग्या है, जिहड़ा तुहानू पता ही है पिछले एक साल तो कोविड तो जिहड़ी आम लोगों नू परेशानी आ रही है वह तो बचने वास्ते सरकार वालों जिहड़ी वैक्सीन लाई जा रही है, अज उहदा कैंप इत्थे ओरा जिम दे विच लग्या है। तो असीं कोशिश कर रहे हैं लोगों नू दसण वास्ते भी वो अपनी इतने आ गए, अपनी सेहत का ध्यान तो रख ही रहे हैं। अच्छ असं उन्होंने अवेयर कर रहे हैं भी वैक्सीन का भी कोई नुकसान नहीं है, भी वैक्सीन लवाओ तो अपना जोड़ा आम जीवन जन जीवन है जोड़ा वो आप वापस आ सकिए। नहीं, बाहरों भी लोग आ रहे, अभी जिम वाले भी क्या है वह भी लवा रहे, तो बाहरों भी लोग आके लवा रहे। सर 100-150 बंदे का टारगेट है, बाकी देखते हैं लोग अवेयर हो रहे हैं, लवा रहे हैं लोग आके वैक्सीन। असं यही दस रहे भी यहाँ कोई डरन की कोई लड़ नहीं, ये तो वैक्सीन बनी हूँ अपन कोविड तो बचने वास्ते है, जो आप लवावे नहीं तो फिर आप तो क्योर होवे, इस करके सारे वैक्सीन लगवानी चाहिए है। लुधियाना से विकास भामरी की रिपोर्ट। पंजाब सरकार की तरफ से पंजाब भर की मंडियों में 10 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत एशिया की दूसरे नंबर पर जानी जाती नाभा की अनाज मंडी में किसानों और आढ़तियों को कूपन और सीधी अदायगी को लेकर भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नाभा मंडी में बारदाने की कमी के चलते और लिफ्टिंग की समस्या को लेकर किसान सख्त परेशान दिखाई दिए। आढ़तियों ने कहा कि मंडी बोर्ड की तरफ से कूपन न मिलने के चलते हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सीधी अदायगी के मसले के चलते किसानों ने आढ़तियों के पास से अपने पहचान पत्र, चेक और बैंक की स्टेटमेंट देनी पड़ रही है। जब इस बाबत नाभा मंडी के सुपरवाइजर से बात की तो उन्होंने भी माना कि कूपन के चलते किसान और आढ़तियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से पंजाब की मंडियों के पुख्ता इंतजाम के दावे किए गए थे, परंतु जमीनी स्तर पर यह दावे बिल्कुल खोखले दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 10 अप्रैल को आढ़तियों के साथ वायदा किया था कि उनका जो भी 131 करोड़ का बकाया है वह सोमवार तक उनके खातों में आ जाएगा, परंतु मंगलवार तक भी आढ़तियों के खाते में 131 करोड़ नहीं आए। दूसरी तरफ किसान मंडियों में बेकार पड़े रहने को मजबूर है, क्योंकि एशिया के दूसरे नंबर पर जानी जाती नाभा की अनाज मंडी में सरकार के दावों की फूंक निकलती दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां सरकार की तरफ से कोरोना वायरस मद्देनजर रखते हुए मंडी में कूपन व्यवस्था रखी गई है, वहाँ कूपन व्यवस्था के चलते किसान पिछले 3 दिनों से मंडी में बेकार पड़े हैं, क्योंकि उनको अभी तक कूपन नहीं जारी हुए हैं। और मंडी में अब यह आलम है कि मंडी में फसल उतार को जगह नहीं बची, और इस मसले पर सरकार का कोई भी नुमाइंदा किसानों और आढ़तियों की मुश्किलों को हल करने के लिए आगे नहीं आ रहा। इस मौके नाभा मंडी में पहुंचे किसानों ने कहा कि सरकार की तरफ से तो बड़े बड़े दावे किए गए थे कि किसानों को मंडियों में रुलने नहीं दिया जाएगा, परंतु 3 दिन बीत जाने के बावजूद भी मंडी में किसी तरह का पुख्ता इंतजाम नहीं है, जिस कारण किसानों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस मौके नाभा मंडी के सुपरवाइजर गुरमानक सिंह ने भी माना कि मंडी बोर्ड की तरफ से पास की कमी के चलते किसानों और आढ़तियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए मंडी में कूपन व्यवस्था शुरू की गई है। सरकार का कोई इंतजाम नहीं है, मैं हूँ पहली बार कणक लेके आया, कोई कूपन का सिस्टम है जो ने करे बहुत दगा कमा रहे हैं, बहुत घाट है सरकार की, बूटा लैन मौके होर गल करते हैं साढ़े ना, जो बूटा लै लेंगे फिर सानू कुटना भी शुरू करते हैं। हरेक तुसी आप पत्रकार हो, तुसी आप जानकार हो, ये बंदे सारे गल्लां तो भी जिहड़े सानू तुसी पुछ भी रहे हो ये सारिया जानकार हो तुसी, है ना। तो ये गल्लां सारिया सरकार नू ये तुसी इहदी खबर पूरी ते पूरी लाओ भी जिमीदार अज पूरा दुखी आ, जिन्ना भी कह दो उन्ना दुखी आ, भी इहने इन्ना साडा भी लेवल इहने अपना सरकार ने डेग रख्या, कहिंदी कुछ आ करदी कुछ आ साडे नाल, भी पूरा धोखे नाल साडे नाल ये दगे कमा रही है। मंडी से सानू जी कूपना का जो इन्होंने लाया सिस्टम ये बहुत घटिया सिस्टम है इन्हों, भी हूँ मैं मार्केट कमेटी जाके आया उन्होंने कहा भी साढ़े कूपना का की सिस्टम है इन्हों, भी साढ़े कोरोने टीके धक्के ला रहे हैं पिंडा जा, भी इतने मंडी से कोई सानू पुछ नहीं रहा,
ਅੱਜ ਮੈਂ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁਣ ਵੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੱਕੇ ਨਾ ਟੀਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਨਾਹੀਂ ਜੋਗ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਨਾਭਾ ਸੇ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। यूं तो कोरोना से ग्रसित लोगों की संख्या और इस बीमारी से मरने वालों के सरकारी आंकड़े काफी डराने वाले हैं। ऐसे हालातों में सरकार द्वारा की जा रही सख्ती, मास्क न पहनने पर जुर्माना, उचित दूरी और बार बार हाथ धोने के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन इन हिदायतों का सरकार द्वारा ही पालन नहीं किया जा रहा। सरकार द्वारा रैलियां करवाई जा रही हैं, लोगों की भीड़ को इकट्ठा किया जा रहा है, क्या वहां पर कोरोना नहीं फैल रहा? वहां पर किसी तरह की सावधानियां क्यों नहीं रखी जाती? और ऐसा ही आज कुछ लुधियाना में भी देखने को मिला, जहां आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बहुत ही भीड़ देखने को मिली। ना तो वहां किसी ने मास्क लगा रखा था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। हमारा पंजाब सरकार से सीधा सवाल है कि क्या ये आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? आज का भीड़ का इकट्ठा होना पंजाब सरकार के बनाए नियमों को सीधे तौर पर सवाल खड़े करता है कि पंजाब में वोटों की राजनीति हो रही है। क्यों पंजाब सरकार के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन नहीं किया गया और क्यों पंजाब सरकार की तरफ से इन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई? लुधियाना से कैमरा पर्सन विकास की रिपोर्ट। आज लुधियाना के DC कार्यालय पर स्थापित बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा के आसपास ग्रिल एवं पौड़ी का उद्घाटन किया गया, जिसमें श्री समय बिरला चेयरमैन दलित विकास बोर्ड पंजाब सरकार द्वारा अपनी नेक कमाई से करवाई गई ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। साथ ही बाबा साहब अंबेडकर का 130वां जन्मदिन मनाया गया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। मैं समय सिंह बिरला, चेयरमैन दलित विकास बोर्ड पंजाब सरकार, मैं आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता का 130वां जन्मदिन असी मना रहे हैं। ये सारे विश्व के बीच बड़ी एक खुशी की लहर है। बाबा साहब ने सानू एक अनमोल ग्रंथ दिता, कोई भी इस पृथ्वी से धरती से अवतार हो जन्मया उन्हें आप अपने ग्रंथ लिखे ने। जेडे मुहम्मद साहब हुए उन्होंने कुरान लिखी है, लेकिन कुरान के नाल दे नाल उन्होंने एक गल होर लिखी है भी ये सिर्फ मुस्लिम धर्म वास्ते है। बाई क्रिश्चन ने बाइबल लिखी है वो सिर्फ क्रिश्चन वास्ते है। हिंदुआ ने गीता लिखी है वो सिर्फ हिंदुआ वास्ते है। लेकिन बाबा साहब ने जो ग्रंथ लिखा है वो सारे विश्व वास्ते ते मानवता दे वास्ते लिखे। उहदे विच गरीब अमीर पुरुष नारी पशु का भी सम्मान दिता गया। तो आज बाबा साहब के संविधान नू समस्त दुनिया ने अपनाया। बड़े दुख की गल है कि साढ़े हिंदुस्तान दे विच मौजूदा सरकार, सेंटर दी जिहड़ी साडी मौजूदा सरकार है जिहदे प्रधानमंत्री मानयोग नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्हां दी सरकार जिहड़ी है संविधान दे विच कई तरह की उन्होंने तोड़ना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। आज जिहड़े लोग बाबा साहब नू मनण वाले लोग हैं उन्होंने उन्होंने एक धर्म बनता है भी आप बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की रक्षा करें। तो मैं सत्कारयोग कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जिहड़े साढ़े पंजाब के मुख्यमंत्री ने उन्हों का मैं आशीर्वाद है। तो मानयोग भारत भूषण आसू जी का सहयोग है। इत्थे बाबा साहब का दी जिहड़ी तस्वीर लगी है इत्थे कोई भी किसी तरह का प्रबंध नहीं सीगा, ना ही कोई प्रशासन ने प्रबंध किया। मेरे साथियों मैं अपने साथियों के सहयोग के नाल जिहड़े मेरे नाल खड़े ने इन दे सहयोग के नाल इन दा हुक्म स्वीकार करते भी इत्थे पौड़ियां लवाइया, इत्थे ग्रिलां लवाइया। मैं सवेरे 6 बजे तो इत्थे आ, प्रशासन का कोई भी बंदा नहीं आया है। तो मैं मानयोग CM साहब नूं एक बेनती करदा कि इस तरह का डिप्टी कमिश्नर लुधियाणा दे विच नहीं होना चाहिए। तो मैं अपने लोगों को एक आह्वान करदा भी भारत का जिहड़ा संविधान बाबा साहब ने बनाया उसकी रक्षा करनी चाहिए। उसकी रक्षा ये तुसीं वेखो, कांग्रेस पार्टी के किसी भी वर्कर ने आज तक भारत के बाबा साहब के बना भारत के संविधान को नहीं जलाया, ना ही संविधान की कोई कापियां फाड़ी है, ना ही बाबा साहब के बुत नू जिहड़ा किसी तरह का विघटनकारी नहीं रूप नहीं दिता। तो
मैं समाज के लोगों एक गल कहनी चाहना, बाबा साहब जी दे संविधान की रक्षा जिथे साडा धर्म और फर्ज बनता है, साडा यह भी फर्ज बनता है कि जिहड़ी पार्टी जिहड़ी है वह बाबा साहब के संविधान की रक्षा करती है वह कांग्रेस पार्टी है, उसका साथ देना चाहिए। जय भीम जय हिंद। लुधियाना से विकास भामरी की रिपोर्ट। जिला श्री मुक्तसर साहिब में डीसी ऑफिस में आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई गई। जिला श्री मुक्तसर साहिब के सफाई सेवक और पूर्व सैनिकों की तरफ से और अलग अलग समाज सेवियों ने बाबा साहब की मूर्ति पर फूल माला डाली और लड्डू बांटकर खुशियां अभिव्यक्त की। बाबा साहब के पैरोकारों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और काले कानूनों को रद्द कराने के लिए अलग अलग वक्तों ने बोला, कहा कि यूथ को नशों का रास्ता छोड़कर और पढ़ाई लेखन के रास्ते पर चलना चाहिए। यह नेतृत्व जसविंदर सिंह पूर्व सैनिक सूबा प्रधान ने की और सफाई सेवक प्रधान भी मौजूद थे। सर जिहड़ा अज तुसीं बाबा साहब दे इक फुल माला करन आए हो, उहदे संबंध विच की कहना चाहुंदे आ? अच पूरे भारत देश विच भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जन्मदिन है, 103 का जन्मदिन है। असीं अज मुक्तसर वाडी समाज वल्लों बाबा साहब दे रूप ते असीं फुल माला करन वास्ते आए हां और बाबा साहब का जिहड़ा नारा है पढ़ो जुड़ो अते संघर्ष करो, उहदे असीं पूरा पहरा दे रहे हां और साडे समाज नूं जिहड़ा पढ़ लिख के अगे आउणा चाहीदा है। सर वध समाजिक आर्थिक और राजनीतिक तब्दीली साडी आउणी चाहीदी आ, असीं राजनीतिक तौर ते अगे आईए और अपने समाज नूं अगे ला के जिहड़ा आउणा समाज साडा होवे भारत देश विच। जो अज साडे नाल सरकारां कर रही आ गरीब परिवारां नाल उह बहुत धोखा कर रही आ। मैं सब यूथ नूं बेनती करदा कि वध तों वध अपने बच्चों नूं पढ़ाओ, वो स्कूलों विचों भेजो, जो स्कूल कॉलेज उत्तों साडे समाज के IAS अफसर और PCS अफसर पैदा होणगे, जो राजनीति विच इन्हां पार्टियां 'च लोग बैठे ने वह साडी आवाज़ कदे हद तक उठा सकदे, भावें वह अकाली सरकार 'च आ, भावें वह BP सरकार 'च, भावें कांग्रेस, भावें झाड़ू सरकार 'च, कितें भी वह साडी आवाज़ नहीं उठाउंदे। साडे समाज नूं अगे हो के यूथ अगे होना चाहिदा, आउणा समां अपना आ और साडे समाज दे जिहड़ा बच्चे नौजवान वो अपना समा सांभण, वो अगे आ के राजनीतिक तौर पर अगे आउण, अगे वधण और समाज का भला सोचण। यूनियन वालों अज बहुत ही वध गिणती के अज बाबा साहब का अंबेडकर साहब का जन्म दिहाड़ा मनाया गया, जो कि आने वाली पीढ़ी भी इस कहीं ध्यान देवे और जागरूक करे तो वह चढ़ के हिस्सा लवे, जो कि अज भी साड़ी कौम सुती पई आ तो उस जगाने वास्ते ये उपराला होया कि जो कि साड़ी कौम अगे वध चढ़ के पढ़ लिख सके, संघर्ष कर सके, जो कि आने वाली सरकार अपनी बना सके, क्योंकि मनुवादी जिहड़ियां सरकारां मनुवादी ताकत इन्हें अज तक सानू धोखा ही दिता। सर जिहड़ा यूथ नशे के राह पै चुके उन्हां नूं की संदेश देना चाहुंदे आ? इह तां बाबा साहब पहलों लिख गए जी, उन्हां दे हथ विच कलम सी, उन्हां दे हथ विच कलम सी, उह नशे दा बहुत राज सी, उह तां कहिंदे पढ़ो, पर की है गलत मनुवादी सोचा ने अपने बिजनेस बना के ये नशे दे विच सानू धकेलिया, नशा इन्हां दा विक रहा, आ गरीब रहे आ, पैसा इन्हां दा सारा कुछ बिजनेस इन्हां दा, ये साडे गरीबां नूं कट्टी। श्री मुक्तसर साहिब से सोनू खेड़ा की रिपोर्ट। आज लुधियाना में श्री गुरु रविदास मंदिर में बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जय भीम जय भारत। आत्मा चैनल के माध्यम राही मैं समुचे संसार नू आज बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 130वें जन्मदिन दियां लख लख वधाइयां दिंदा हां जी। अज 14 अप्रैल सन 1891 बाबा साहिब जी का जन्म होया सी जी। सारी जिंदगी उन्होंने सिक्ख्या रुजगार बराबरता के अधिकार से ही गल की है, सारी जिंदगी उन्होंने अपनी जिंदगी गरीब मजलूमों के लेखे लाई, तो अज का दिन साढ़े वास्ते एक उत्सव की तरह है, जो कि महला कारावार की सारी संगत बड़े ही चा ते शरदा नाल अज असी बाबा साहब जी का 130वां जन्मदिन मना रहे हैं जी। सो अज दे दिन दियां समूह नगर निवासी समूह संगतां समुचे संसार नूं लख लख वधाइयां होण जी। सो इन्ना ही कहिंदा होया जय भीम जय भारत जी, जय गुरुदेव धन गुरुदेव जी। अज 14 अप्रैल दिन बुधवार नूं डॉक्टर BR अंबेडकर बाबा साहब जी का अवतारी दिवस है, जिन्होंने
साडे खातर भारत का संविधान समाज बारे संविधान उन्होंने लिखिया। अज उन्हां दा अवतारी दिवस है। पूरे देश वासियों नूं भारत वासियों नूं मैं लख लख वधाई और लख लख मुबारक दिंदा हाँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। कैमरामैन जसविंदर की रिपोर्ट। आज केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना महामारी को देखते हुए CBSE बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई और साथ ही 12वीं की परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया गया। ऐसा सरकार को इसलिए करना पड़ा क्योंकि कोरोना के केसों में दिन पर दिन इजाफा हो रहा है और साथ ही कई मंत्रियों की तरफ से 10वीं की परीक्षा रद्द करने का प्रस्ताव भी रखा गया था। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने 10वीं की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। आज लुधियाना के 65 नंबर वार्ड में संजीव बेगरा और वार्ड वासियों की तरफ से श्री बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के उत्सव पर मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। आज जी देखो असी मनोहर नगर स्थित भगवान वाल्मीकि मंदिर वेलफेयर सोसाइटी वालों अज असी एक रैली कढ रहे हैं जिदे विच समूह वाल्मीकि समाज जिन्ना भी पिछड़िया वर्ग वा वो सारे अज असी इकट्ठे हो के भदौड़ हाउस जा रहे हैं। भदौड़ हाउस दे विच एक साडा बहुत बड़ा समागम रखिया होया वा। भदौड़ हाउस तो असी सीधा जलंधर बाईपास स्थित बाबा साहब अंबेडकर दी रहिबर दी जिथे साडी मूर्ति है अज उत्थे असी नतमस्तक होना वा ते लोगों नूं असी मैसेज देना वा भी ओ शख्सियतां जिहड़ियां जम्मियां तां जरूर सीगियां भारत देश दे वास भारत देश दे विच जिहड़ियां शख्सियतां जन्म तां लिता सी उन्होंने पर उन्हां दे एक उद्देश्य सीगा भी असी अपने देश नूं आजादी तो बाद जिहड़े लोग दबे कुचले रहे ने जिन्हां नूं पानी पीण दा अधिकार नहीं सी पढ़न लिखन दा अधिकार नहीं सीगा बोलन चलन का अधिकार नहीं सी खाण पीण का अधिकार नहीं सीगा और जनानियां नूं लेडीज़ नूं बच्चियां नूं बजुर्गां नूं किसी चीज़ की आजादी नहीं सी अज उस रहिबर का असी दिन मनाने जा रहे हैं। तो साडा इक्को ही उद्देश्य है इस रैली का भी आओ असी एक वो देश बनाइए एक वो सिस्टम बनाइए जिदे विच सारे एक बराबर होण और सारे नूं जीण का अधिकार होवे। सर की लगता बाबा साहब अंबेडकर जिन्ना ने इन्ना कुछ किया देश लई ओह अपने मकसद विच कामयाब होए अज दे दिन नूं लैके? बाबा साहब अंबेडकर ने जी देखो अपने जन्म तो लैके अपने एंड दे लास्ट दे दिनों तक संघर्षी करते आए ने। कामयाबी उन्होंने ये नहीं कह सकते 100% मिली है, उन्होंने 75% सानू जिहड़ी आ कामयाबी हासिल करके दित्ती आ। वोट पाउण दा अधिकार सानू दिलाया वा ते उन्होंने सानू आजादी दा अधिकार दिलाया वा। पहला हुंदा सी राजे दा मुंडा राजा बनेगा पर उन्होंने जो संविधान लिख दिता संविधान दे विच उन्होंने सारे नूं बराबरी दा बराबर बराबर करके उन्होंने सारे नूं एक वोट दा अधिकार देता भी वोट पा के तुसी अपना नुमाइंदा जिहड़ा मर्जी चुन सकते हो ते वह कामयाब होए आ। पर उस तो बाद जिहड़े राजनीतिक पार्टियां ने जिहड़े सियासतदान ने उन्होंने अपनी राजनीतिक मंशा दे तहत सानू लोकां नूं हले तक भी दबाया होया वा ते असीं चाहुंदे आ अज दे दिन उद्देश्य वा साडा इह वी असीं इकट्ठे हो के अपना एक प्रधानमंत्री बनाइए तां कि उह दलित समाज बारे गरीब समाज बारे सोच सके। सर जो अज दे प्रधानमंत्री ने या अज तक बने आ रहे ने कि उन्होंने कदे दलित समाज बारे नहीं सोचिया तुसीं इह कहना चाहुंदे हो? उन्होंने जी देखो सानू मिठियां गोलियां जरूर दित्तियां ने सानू कुछ क टिकटां भी दे दिंदे आ सानू कुछ क अहुदे भी दे दिंदे आ ਉਹ ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰੋਂ ਤਕੜੇ ਨੇ ਹੈ ਉਹ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਚਲੋ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਪਰ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर की रिपोर्ट। तो ये थे आज के धार्मिक एवं सामाजिक समाचार। कल फिर हाजिर होंगे। एकता को दीजिए इजाजत। जय जिनेंद्र।